नेमो, यानी कि नेमो कैरेक्टर जो फाइंडिंग नेमो मूवी में था, तो वो नेमो कैरेक्टर की क्लाउन फिश आज हम बनाएंगे। तो क्लाउन फिश बनाने के लिए ये मैंने रफली एक डायग्राम ड्रॉ किया है, जिसमें यहाँ पे हम ऑरेंज कलर, वाइट, ऑरेंज और इस तरह से हम सारे कलर्स वन बाय वन यूज़ करेंगे। तो बेसिकली थ्री कलर्स यूज़ होंगे। मेजोरिटी जो बॉडी पार्ट होगा फिश का वो ऑरेंज एंड वाइट कलर से यूज़ होगा, और जो ऊपर से स्ट्रिप है वो सारी हम ब्लैक कलर की स्लिप स्टिच यूज़ करेंगे। सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी स्मॉल क्लाउन फिश, ऑल्सो नोन एज नेमो फ्रॉम फाइंडिंग नेमो मूवी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो फिश है वो मैं स्पेशली अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। उसे बहुत ही पसंद है फाइंडिंग मूवी देखना, और नेमो उसका बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है। सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग। सो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना वर्क। पहले हम मेन बॉडी बनाएंगे, उसके बाद टेल एंड अदर पार्ट्स। ठीक है, तो पहले हम बॉडी बनाते हैं। ये जो वाइट कलर का ये जो राउंड है वो आइज के लिए है, वो हम लास्ट में करेंगे। पहले सिंपली हम ओवल शेप में बॉडी बनाएंगे। तो उसके लिए मैं ऑरेंज कलर से स्टार्ट करूँगी। ये रफ डायग्राम है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ क्रिएटिंग बॉडी, मेन बॉडी ऑफ नीमो। सो फॉर दैट इंसर्ट योर हुक इन दिस होल। नाउ चेन थ्री, वन टू एंड थ्री। नाउ मेक अ होल। सो फॉर दैट इंसर्ट योर हुक इन टू द वेरी फर्स्ट चेन स्टिच, एंड वी हैव टू वर्क स्लिप स्टिच। अब तीन चेन स्टिच वर्क करने के बाद हम स्लिप स्टिच वर्क करेंगे। तो ये हमने बना दिया छोटा सा राउंड। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क फाइव सिंगल क्रोशे स्टिच इन दिस होल। सो जस्ट हमें इसको इस तरह से पकड़ना है ताकि ये हाइड हो जाए स्टिच के अंदर। सो नाउ वी हैव टू वर्क फाइव टाइम सिंगल क्रोशे स्टिच। वन, अगेन इंसर्ट योर हुक इन द सेम होल। हमें पांच बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करना है। दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, फोर, एंड फाइव। नाउ वर्क स्लिप स्टिच इन द वेरी फर्स्ट स्टिच पहली स्टिच में हमने सुइया इंसर्ट करके हमने स्लिप स्टिच वर्क किया। अब जो नेक्स्ट है वो हम हर एक स्टिच में से दो बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे, दो बार। ठीक है, सो इंसर्ट योर हुक इन द नेक्स्ट स्टिच, वर्क टू टाइम्स सिंगल क्रोशे स्टिच। वन टू, अगेन इन द नेक्स्ट स्टिच वर्क टू टाइम सिंगल क्रोशे स्टिच। हमें हर एक स्टिच में से दो बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करना है ये राउंड टू में। अगेन नेक्स्ट स्टिच में से हमें दो बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करना है।
और ये जो सारी स्टिचेस है वो आपको एकदम ही लाइटली वर्क करनी है, एकदम दबा के नहीं करना है। स्टिल वन मोर टू डू, सो वर्क टू सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ दिस सिंगल क्रोशे स्टिच ऑफ प्रीवियस राउंड। सो हर एक स्टिच में से हम दो दो बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क कर रहे हैं। प्रीवियस राउंड के हर एक स्टिच में से दो बार हमने सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क किया। अब जो है वो हमें स्लिप स्टिच वर्क करना है, तो उसके लिए प्रीवियस राउंड की जो पहली स्टिच थी उसमें हम सुइया इंसर्ट करके सिंपली धागे को बाहर निकालेंगे और उसे इस तरह से करंट स्टिच में से बाहर निकाल देंगे। सो हियर वी हैव फिनिश्ड टू राउंड्स, लेट अस रिपीट। हियर फर्स्ट वी हैव क्रिएटेड थ्री चेन स्टिच सर्कल। देन इन द फर्स्ट राउंड हमने फाइव टाइम्स सिंगल क्रोशे वर्क किया। इन द सेकेंड राउंड वी हैव वर्क टोटल 10 सिंगल क्रोशे स्टिच। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट राउंड, इन द नेक्स्ट टू स्टिच वी विल वर्क टू टाइम्स सिंगल क्रोशे स्टिच एंड इन द थर्ड स्टिच वी आर गोइंग टू वर्क वन सिंगल क्रोशे स्टिच। So here in the next round it will be 17 to 18 single crochet stitches total. So how we can do this? So in the from this previous round single crochet stitch, first we are going to work 2 times single crochet stitch from the one single crochet stitch of previous round, then again 2 times single crochet stitch from the one single crochet stitch of previous round, and then one single crochet stitch from the one single crochet stitch of this previous round. चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टिच में से यानी कि फर्स्ट स्टिच जो है इसके बाद वहाँ से हमें दो बार सिंगल क्रोशेट स्टिच वर्क करना है। So for that chain one first. Now in the very next stitch we are going to work 2 times single crochet stitch. 1 and 2. So यहाँ पे हमने पहली stitch में से दो बार single crochet stitch work किया। Again in the next stitch, अब second stitch में से again हम दो बार single crochet stitch work करेंगे। 1 again in the same 2। अब जो थर्ड स्टिच है ये वाली, यहाँ से हम सिर्फ एक बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे। नाउ इन द थर्ड स्टिच वी आर गोइंग टू वर्क ओनली सिंगल टाइम, 1 टाइम सिंगल क्रोशे स्टिच। सी पहले हमने दो बार किया, दूसरी बार भी दो बार किया, अब तीसरी बार हमने सिर्फ एक बार किया, वैसे ही हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट टाइम वी हैव वर्क 2 सिंगल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्टिच, अगेन 2 सिंगल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्टिच, देन 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन द दिस स्टिच। सो वी हैव टू रिपीट दिस ग्रुप ऑफ स्टिचेस, टोटल 5। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टिच अगेन वी आर गोइंग टू वर्क 2 times single crochet stitch, 2 times single crochet stitch, in the next stitch 1 time single crochet stitch, again in the next 2 times, 2 times in the same stitch,
then again in the next 2 times. In the next 1 time single crochet stitch, again in the next 2 times single crochet stitch. So here we have worked total 17 single crochet stitch. Now to end this round we are going to work slip stitch. So insert your hook into the very first stitch that you have worked in this round and just work slip stitch. ठीक है, तो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम. वी हैव वर्क्ड टिल दिस राउंड. तो जैसे कि यहाँ पे हमने टोटल 10 स्टिचेस, यहाँ पे 5 स्टिचेस, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 17. ठीक है, तो 17 स्टिचेस बनाने के लिए पहले प्रीवियस राउंड की 2 स्टिच में से हमने 2 बार किया, फिर तीसरी स्टिच में हमने 1 बार किया, एक बार ही हमने सिंगल क्रोशे वर्क किया. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस 17 स्टिचेस इन दिस राउंड, इन द प्रीवियस राउंड वी हैव वर्क्ड टोटल, सो इन द प्रीवियस राउंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टिच वी हैव वर्क्ड 2 times single crochet stitch, in the second stitch 2 times, in the third stitch 1, then 2 1 2 2 1 2 2 1. So इस तरह से हमने total 17 times single crochet stitch work की. In the next round again we will maintain the ratio of 2 to 1. That means from this round, from the very first stitch work 2 times single crochet stitch, from the second stitch again work 2 times single crochet stitch from this round, and again in the third stitch again work 1 time single crochet stitch in this round. So from this previous round we will work first 2 times single crochet, then in the second stitch 2 times, in the third stitch 1 time, then again we will repeat this ratio. Let us see here. So let us start this. ये explanation मैं specially beginners के लिए कर रही हूँ. Now again chain 1. In the next first round of previous in the very first stitch of previous round we are going to work 2 times single crochet stitch, again in the same stitch, in the next round 1 time single crochet stitch, in the very next round 2 times single crochet in the second stitch we have to work 2 times single crochet stitch. I'm sorry for making confusion. Let's again repeat. After making 1 chain stitch, we have worked 2 single crochet stitch in the very first stitch of previous round. Then again 2 single crochet stitch in the second stitch of previous round. Now in the third stitch, we are going to work only 1 single crochet stitch. थर्ड स्टिच में से हम सिर्फ 1 बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे. तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया. सिमिलरली हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे. अब जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ से हम 2 बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे. अगेन नेक्स्ट स्टिच में से हम 2 बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे. अब जो तीसरी स्टिच है उसमें से सिर्फ 1 बार, ओनली वन टाइम वी आर गोइंग टू वर्क सिंगल क्रोशे स्टिच. अगेन वी विल रिपीट द सेम रेशियो इन द नेक्स्ट राउंड. इन द नेक्स्ट स्टिच आई एम गोइंग टू वर्क
टू टाइम सिंगल क्रोशे स्टिच, अगेन इन द नेक्स्ट स्टिच टू टाइम्स, नाउ इन द नेक्स्ट स्टिच वन टाइम, अगेन इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन द फर्स्ट वन टू टाइम सिंगल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्टिच, देन अगेन टू टाइम्स इन द नेक्स्ट स्टिच, one time in the next stitch, similarly complete this. I'm skipping this video. So in the last stitch we are going to work slip stitch. In the very first stitch of this round, now in the next round we will work one time two time single crochet stitch in the first stitch of previous round and one time single crochet stitch in the second stitch of previous round, then in the third stitch we will work two times, in the fourth stitch we will work one time of this previous round. For this current round, let us see. It's very easy. Alternatively, you have to work 2 and 1 number of single crochet stitch. So first chain 1. So pehli stitch mein se hume 2 bar single crochet stitch work karna hai. So 2 times single crochet stitch in the very first stitch. Then one time single crochet stitch in the next stitch, ek bar single crochet stitch, now in the next stitch again two times, in the next stitch one time, in the next stitch two times, in the next stitch one time. सो वन टू वन टू वन टू, इस तरह से आपको पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है टू टाइम्स, देन इन द नेक्स्ट स्टिच वन टाइम. सो इन दिस वे जस्ट कंप्लीट दिस राउंड. ऑल्टरनेटिवली यू हैव टू वर्क दिस, इन द नेक्स्ट स्टिच वर्क टू टाइम्स, देन हियर वन टाइम सिंगल क्रोशे, टू टाइम सिंगल क्रोशे, वन टाइम, टू टाइम्स, वन टाइम, इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है. लेट अस सी एट द एंड. सो हियर ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड दिस राउंड. नाउ आई एम गोइंग टू वर्क स्लिप स्टिच. सो इंसर्ट योर हुक इन द वेरी फर्स्ट स्टिच ऑफ दिस राउंड एंड वर्क स्लिप स्टिच. अब जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हम 3 बार सिंगल क्रोशे करेंगे एंड 2 बार डबल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे. सो ये राउंड में जो प्रीवियस रोज है 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, ये जो सारी प्रीवियस स्टिचेस है पिछले राउंड की, ये वाले राउंड की, तो उसमें पहली स्टिच में से हम सिंगल क्रोशे सिंगल क्रोशे सिंगल क्रोशे, फिर फोर्थ स्टिच में हम डबल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे, देन फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में से हम सिंगल क्रोशे एक एक बार करेंगे और एट स्टिच में से हम 2 बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे. सो इन दिस राउंड वी आर गोइंग टू वर्क 3 सिंगल क्रोशे स्टिच इन द फर्स्ट 3 स्टिचेस ऑफ प्रीवियस राउंड, देन इन द फोर्थ स्टिच वी आर गोइंग टू वर्क 2 टाइम सिंगल क्रोशे स्टिच, देन इन द फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ अगेन 1 टाइम सिंगल क्रोशे स्टिच, एंड देन इन द एथ वन वी आर गोइंग टू वर्क 2 टाइम्स, एंड वी हैव टू रिपीट द सेम सिनारियो फॉर होल दिस फॉर दिस राउंड. सो लेट इट स्टार्ट
chain 1. In the next stitch, work single crochet stitch. Again in the second stitch, work single crochet stitch one time. In the third stitch, again one time single crochet stitch. Now in the fourth stitch, we have to work 2 times single crochet stitch. So 1 and 2. Now again in the next 3 stitches, 5th, 6th and 7th, we are going to work only 1 time single crochet stitch. Okay, now in the 8th stitch, we are going to work 2 time single crochet stitch here. Now again in the next 3 stitches we have to work 1 time single crochet stitch in each of this stitch. So 1, again in the next, yahan pe nahi, yahan pe next stitch mein se, ye hamara hua 2nd, then in the again next stitch mein se, so 3 baar humne single crochet stitch kiye next 3 stitches mein se. Ab jo hai 4th stitch, वहाँ पे हम 2 बार स्टिच वर्क करेंगे, सेम स्टिच में से 2 बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे. 1 एंड अगेन इन द सेम 1, 2, अगेन नेक्स्ट 3 स्टिच में से हम सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे एंड जो 4th स्टिच होगी उसमें से हम 2 बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे. So 3, so 1, 2, 3, now 2 times single crochet stitch in this stitch. And similarly you have to complete this round. I'm going to skip this skip this part showing in the video, but you perform the same step same steps till the end point of this till the end point in this round. So here I have finished this work. Now in the last stitch I am going to work slip stitch in the very first stitch. So now in the next round we are going to work only 1 time single crochet stitch in all of this stitch. सो ये राउंड में हम सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे हर एक प्रीवियस स्टिच में से. सो इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट राउंड, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टार्ट एक बार चेन स्टिच करके हमें हर एक नेक्स्ट स्टिच में से एक एक बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करना है इस तरह से. हर एक स्टिच में से आपको सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करना है. सिंपली जस्ट वर्क 1 टाइम सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ नेक्स्ट स्टिच. सो सिमिलरली जस्ट कंप्लीट दिस. मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और हर एक स्टिच में से आपको एक बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करना है. सो दिस इज द लास्ट स्टिच ऑफ दिस राउंड. हर एक स्टिच में से मैंने एक बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क किया है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टिच वी आर गोइंग टू वर्क 2 टाइम्स इन दिस स्टिच 2 times single crochet stitch and 1 times single crochet stitch together stitch. So चलिए देखते हैं. यहाँ पे थोड़ी सी stitches, total number of stitches कम होगी at the end,
chain 1. In the next stitch, work 1 time single crochet stitch. In the next stitch, second stitch, again work 1 time single crochet stitch. So, दो बार हमने single crochet stitch work किया next 2 stitch में से, and third stitch में से हम single crochet together stitch work करेंगे. तो तीसरी स्टिच में से हम धागा निकालेंगे इस तरह सिंगल क्रोशे टुगेदर स्टिच वर्क करने के लिए. इस तरह से अब इसको कंप्लीट नहीं करना है. इंस्टेड इंसर्ट योर हुक इन द फोर्थ स्टिच. जस्ट कंबाइन दिस 3 स्टिचेस टुगेदर, दैट इज सिंगल क्रोशे टुगेदर स्टिच. Now again in the next stitch, work single crochet stitch. Again in the next stitch, work single crochet stitch. Now in the third stitch, work single crochet together stitch. Don't complete this. Instead, again insert your hook in the next stitch. Yahan pe. कि जस्ट सी हमने अलग अलग स्टिच में से लिया है और फिर हम इसको इस तरह से कंबाइन करेंगे. चलिए अब नेक्स्ट स्टिच में से हम सिंगल क्रोशेट स्टिच वर्क करेंगे. नेक्स्ट 2 स्टिच में से हम एक एक बार सिंगल क्रोशेट स्टिच वर्क करेंगे. अब जो तीसरी स्टिच है उसमें से हम सिंगल क्रोशे टुगेदर स्टिच वर्क करेंगे. तो यहाँ से धागा निकालने के बाद अगेन इंसर्ट योर हुक इन द नेक्स्ट स्टिच. एंड रिपीट द सेम स्टेप्स. नाउ 2 टाइम सिंगल क्रोशे स्टिच इन द नेक्स्ट स्टिच. Then 1 time single crochet together stitch. So next अगर आप पहली बार single crochet together stitches कर रहे हो तो बहुत ही carefully देखना, ध्यान से देखना. ये 2 stitch में से हम single crochet together stitch work करेंगे. So यहाँ पे हम जो सुइया है वो इस तरह से इंसर्ट करेंगे पहली स्टिच में से, वहाँ से इस तरह से धागा निकालेंगे बाहर. अब जो नेक्स्ट दूसरी स्टिच है ये वाली, तो ये धागे को हम इस तरह से पकड़ेंगे और नेक्स्ट स्टिच में से हम इस तरह से निकाल के फिर हम ये तीनों लूप्स को कंबाइन करेंगे. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टिच अगेन वर्क 1 टाइम सिंगल क्रोशे स्टिच. अगेन 1 टाइम सिंगल क्रोशे स्टिच. नाउ इन द नेक्स्ट स्टिच वर्क सिंगल क्रोशे टुगेदर स्टिच. अगेन इंसर्ट योर हुक इन द नेक्स्ट स्टिच. सो इन दिस वे सी द डिफरेंस. एंड एट द एंड वी विल कंबाइन दिस 3 स्टिचेस. सो वी हैव टू रिपीट दिस सेम सेट ऑफ स्टिचेस. देखो ये जो शेप है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है इसको इस तरह से शेप बनाने का, इस तरह से. ठीक है. तो ये जो सिंगल क्रोशे टुगेदर स्टिच है वो समवॉट जो टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस होती है उसको कंप्रेस करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए होता है. सो चलिए ये राउंड कंप्लीट करते हैं. आई एम गोइंग टू स्किप दिस वीडियो. सो हियर आई एम गोइंग टू जस्ट फिनिश माय वर्क ऑफ दिस राउंड. सो आई एम गोइंग टू वर्क स्लिप स्टिच एंड चेन 1. And now cut your yarn.
अब जो नेक्स्ट है, वी आर गोइंग टू चेंज द कलर. नाउ वी आर गोइंग टू वर्क वाइट कलर. सो वील सी नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट पार्ट टू की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में भी है. सो जस्ट फाइंड आउट द पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो जस्ट check out my description box of this video, and in that description box I have mentioned part 2 link of this fish. So thank you so much for watching this video. अगर आपको ये video अच्छा लगता है, useful लगता है, तो please comment on this video and share your reviews. It's valuable for me. So thank you so much. Part 2 देखना मत भूलिए, part 3 भी है. So, have a nice day.